क्या आपको भी फील होता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते, लोग आपकी वैल्यू को समझते नहीं है, आपको यूं ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये तो फालतू है, तो कुछ भी बोलता है, छोड़ना इसकी बातों को मत सुन, आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको कभी भी सीरियसली तो नहीं ही लेते। आज मैं आपको 2-3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके बाद अगर आप इनका प्रयोग करोगे तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ जाने वाली, आप नोटिस हो जाने वाले हो, तो यार बस मजा आने वाला है। पहली चीज कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले आपको खुद को अपनी इज्जत करनी पड़ेगी। खुद की इज्जत करने का मतलब होता है कि आपको एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि इसके आगे अगर मेरे को कोई कुछ कहेगा तो मैं सहन नहीं करने वाला। क्योंकि अगर तुम्हें खुद ही फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें क्या बोल रहा है तो उनको घंटा फर्क पड़ेगा। तो अगर तुम खुद ही अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहे हो कि नहीं भाई इससे ज्यादा मैं नहीं सुनना चाहता, तो कोई भी सुना के जाएगा यार, मतलब कोई भी बोल के जाएगा। लोग तो चाहते ही है कि उनको कोई कमजोर शिकार मिल जाए जिनके ऊपर अपना गुस्सा निकाल दे, अपनी भड़ास निकाल दे, अपनी मतलब एक्सक्यूजेस निकाल दे, तो यार वो आप चुने जाओगे। अपने बारे में एक स्टेटस बनाकर रखो कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ, हाँ मैं ब्रैक करने के लिए नहीं बोल रहा, बढ़ा चढ़ा के अपनी मतलब मुंह में मिठू होता है ना वो करने के लिए नहीं बोल रहा कि भाई मैं ये हूँ मैं वो, ऐसे भी मत करो, लेकिन हाँ ये करके रखो कि यार मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये करना पसंद है, अपने बारे में बताओ, अपने एक स्टेटस मेंटेन करके रखो। और कोई अगर आपकी बाउंड्रीज को पार करता है तो उसको सीधे मना करो कि भाई देख ये चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मजाक मजाक होता है लेकिन मजाक को सीरियस मत बना। सेकेंड पॉइंट, बिना गलती के अपनी गलती मत मानो। अगर आपने कोई भी चीज़ गलत नहीं किया है तो सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है, झुकने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बिना बात के मत झुको। अगर आपकी गलती है तो सॉरी भी फील करो, उसको इम्प्रूव भी करो, उसे माफ़ी मांगो, हाथ पैर जो भी जोड़ने हैं वो करो, लेकिन बेटा अगर तुम्हारी गलती नहीं है ना तो झुकने की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, लोगों को बुरा भी लगेगा क्योंकि उन्होंने यही सुना हुआ है कि अपनी गलतियों को मान लो, कुछ भी हो अपनी गलतियों को मानते रहो, झुक जाओ, झुकने में क्या जाता है, आपका क्या जाएगा, ये वो। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। देखो अगर इज्जत है तो सब कुछ है, अगर इज्जत नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है और आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है तो सुनने की जरूरत नहीं है भाई। और कोई खुद गलती करके आपसे सॉरी की एक्सपेक्टेशंस रखता है तो सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं है। अपने एक स्टैंड लेना होता है ना, स्टैंड लो, अपनी बातों पे खड़े उतरो, उस पे टिके रहो। क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में होता है कि सामने वाला पार्टनर खुद तो गलती करता ही है लेकिन सॉरी आपसे बुलवाता है और आप बोलते भी। मजे की बात तो ये है, तो मतलब अजीब सी चीजें हैं, इसको मत करो। क्योंकि अगर सामने वाले बंदे को ये पता लग गया कि अगर मेरी गलती के बावजूद सामने वाला बंदा माफी मांगने वाला है तो गलतियां करता रहेगा और आपसे माफी मंगवाता रहेगा। और बेटा अगर तुमने गलती से भी कोई गलती कर दी तब तो भाई बात ही भूल जाओ, मतलब बिना गलती के माफी मांग रहे हो, आप गलती कर दोगे तो पता नहीं क्या ही होगा। थर्ड पॉइंट जो कि मैंने 12 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, अगर आपको इसको जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, हमारी वीडियो हमारे चैनल की है, प्लीज वहां पर जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां पर वो 12 चीजें देखिए जहां पर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इफेक्टिव मैनर में बोलते कैसे कि लोग आपकी बातों को सुने, आपकी इज्जत करें, आपको नोटिस करें, तो यार खुश हो जाने वाले। तो प्लीज जाइए, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, नया चैनल है, प्लीज सपोर्ट अस। मीनवाइल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में नोटिफिकेशन आती है उसको प्लीज ऑन कर लेना। और भाई अगर आपको और अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना यार, मतलब कर दिया करो ना।